हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बनाएंगे चावल के आटे से पापड़। तो देखिए, उसके लिए एक कटोरी चावल का आटा है, और एक चिली फ्लेक्स है, और एक जीरा है, और नमक है, एक खाने का सोडा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, एक भगोना लेंगे, इसमें चावल का आटा डालेंगे। एक कटोरी चावल का आटा है तो इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। पानी धीरे धीरे करके मिलाएंगे। कटोरी पानी हम मिला लिए हैं, फिर 1 कटोरी देखिए डाल रहे हैं। देखिए 2 कटोरी पानी हम डाल लिए हैं। अब कढ़ाई रख देते हैं, कढ़ाई रख दी है। अब इसमें पानी डाल रहे हैं हम, 1 कटोरी, 2 कटोरी पानी डाल दिए हैं। अब 3 और 1 4 4 कटोरी पानी डाल दिए हैं। 2 कटोरी इसमें है, 6 कटोरी पानी हो गया। पानी में उबाल आएगा, थोड़ा ढक देंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और जीरा पाउडर है, ये डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं, रखे थे, देखिए कैसे हो गया है। धीरे धीरे डाले, पानी में उबाल आ गया है। धीरे धीरे इसे डालेंगे और चलाते रहेंगे। खावा सो खाने का सोडा है, डाल रहे हैं। एक्शन। तो देखिए कैसे बन गया है, ऐसे होना चाहिए, बन गया है। हम चला कर बना रहे हैं, थोड़ा भी छोड़ा नहीं है, तो कढ़ाई में लग जाएगा। ऐसे हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे। कहाँ चाहिए, थोड़ा उबाल आना चाहिए, थोड़ा और उबाल आ जाता है तो बंद कर देंगे। उबाल आ गया है, बंद कर देते हैं गैस को, और थोड़ा सा छोटा बर्तन में निकाल लेंगे बनाने के लिए, और कढ़ाई में ढक देंगे कि ठंडा नहीं होगा। देखिए कैसे हम बना रहे हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है। प्लास्टिक डाल दिए हैं, इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा तेल लगा लिए हैं प्लास्टिक में, छोटा छोटा ही हम बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, सूखने के बाद ही खुद ही पतला हो जाता है, ज़्यादा पतला बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा पापड़ कैसे बन गया है, धूप में डाल दिए हैं। आप चाहे तो पंखा के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। हम धूप में डाले हैं, 2 दिन में सूख जाएगा। अभी तो मौसम ऐसा है कि 2 दिन में सूख जाएगा। बन गया है, कितना अच्छा हुआ है, देखिए पतला पतला। कढ़ाई रख दिए, तेल गरम हो गया, हम बना के आपको दिखाते हैं 2-4। तो